11. Dear students, in this lecture we are going to solve some MCQs of the chapter waves. Please consult your book page number 297. The chapter name is waves. This is page number 297 of your book. We are going to solve MCQs. Dear students, पहला question अगर आप देखें तो पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हेन अ वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव रिमेन कांस्टेंट, कि जब एक वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो उस वेव की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, यानी जो चेंज नहीं होती. वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फेज. तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है. बाकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है और फेज भी चेंज हो जाता है. तो वेलोसिटी, वेवलेंथ और फेज, ये तीनों चेंज हो जाते हैं. जो चीज़ चेंज नहीं होती वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. क्लियर? तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये असल में रिफ्रैक्शन के बारे में है. रिफ्रैक्शन वो फिनोमेना होता है जिसमें कोई वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है. ठीक है, ये 9 क्लास में आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा. ग्लास स्लेब के अंदर से जो है वो लाइट को पास करवाया जाता है. प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट था और लेंजेज के बारे में जो एक्सपेरिमेंट था वो आप परफॉर्म कर चुके हैं. तो ये जो है रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है. तो जब भी कोई वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बाकी वेलोसिटी भी कम हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है और फेज भी चेंज हो जाती है. तो क्वेश्चन वन का करेक्ट आंसर है बी. बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन. प्लीज इसको टिक करें. क्वेश्चन नंबर टू, व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम इट अंडरगोज अ फेज चेंज ऑफ 0π/2π/2π. जब भी ये अब रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन है. रिफ्लेक्शन वो फिनोमिना है जिसमें कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम के साथ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश करती है लेकिन वो दूसरा मीडियम उसको टर्न बैक कर देता है, वापस कर देता है. इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं. द बाउंसिंग बैक ऑफ ए वेव फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. तो ये रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन है. डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये पूछ रहा है कि अगर कोई वेव जो है वो किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसके जो है वो फेज में कितना चेंज आता है, एंगल में कितना चेंज आता है. तो याद रखें इसका आंसर है पाई. पाई चेंज आता है, लेकिन कैसे, आप इसको ज़रा देखें. देखें, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई डेंसर मीडियम है, कोई दीवार है. इसके साथ अगर मैं रस्सी को बांधूँ, अब रस्सी यहाँ पर जब वाइब्रेट करेगी, व्हेन आई विल वाइब्रेट दिस रोप आई विल गेट वेव्स. इसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी. फर्ज करें, देखें ये क्रस्ट, क्रस्ट ये ट्रफ और ये ट्रफ. तो एनर्जी जो है वो क्रस्ट ट्रफ इस फॉर्म में मूव करते हुए यहां पे आएगी. अब यहां से आगे वेव पेनिट्रेट इस दीवार में नहीं कर सकती, तो ये दीवार इसको रिफ्लेक्ट करेगा, टर्न बैक करेगा. तो यहां से ये जो वेव है अब किस तरह टर्न बैक होगी, इन खाली जगहों पर, इस तरीके से. क्लियर? तो ये अब देखें, अब ये बनाएगा इस डायरेक्शन में क्रस्ट बनाएगा, ये इस डायरेक्शन में ट्रफ बनाएगा, ये इस डायरेक्शन में रिवर्स में क्रस्ट बनाएगा, ये इस डायरेक्शन में रिवर्स में ट्रफ बनाएगा. तो अब देखें, यहां पर जो ट्रफ जा रहा था रिफ्लेक्शन के बाद, वो ट्रफ किस में कन्वर्ट हो गया है, क्रस्ट में. और क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, 180 कर के एंगल पर होते हैं, 180 डिग्रीज के एंगल पर होते हैं, बिल्कुल अपोजिट, एक्सट्रीम अपोजिट. तो उसी अपोजिट को हम एंगल्स में क्या कहते हैं, 180 डिग्रीज, या जिसको कहा जाता है पाई. क्लियर? ओके, सो पाई इज द करेक्ट आंसर.
तो जब भी कोई वेव रिफ्लेक्ट होती है तो उसका क्रस्ट जो है वो ट्रफ बन जाता है, ट्रफ जो है वो क्रस्ट बन जाता है, यानी क्रस्ट और ट्रफ में जो फेज डिफरेंस या एंगल का जो डिफरेंस होता है वो पाई के इक्वल होता है, जिसको हम 180 डिग्रीज भी कहते हैं। तो क्वेश्चन टू का सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री। इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ इज रिड्यूस टू हाफ, देन द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन इट इज डबल्ड, हाफ, कॉन्स्टेंट, 1/4। इसका करेक्ट आंसर है डबल। और ये कैसे, देखें हम जानते हैं कि फर्ज करें आपके पास कोई स्ट्रिंग है, कोई रस्सी है, उसको आपने किसी चीज़ के साथ बांधा हुआ है, तो जिस वक्त इस रस्सी को रस्सी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करेंगे तो इस रस्सी को टाइट करने के लिए हम अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहे होते हैं, फोर्स। वो फोर्स इस रस्सी में टेंशन का काम कर रही होती है, खिंचाव जिसको कहते हैं। तो ये जो वेलोसिटी का एक फार्मूला हमने साउंड वेव के लिए पढ़ा था वो ये फार्मूला था कि रेशो ऑफ इलास्टिसिटी टू द डेंसिटी। डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला वेलोसिटी का साउंड के लिए है, लेकिन ये जो स्ट्रिंग या रस्सी के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसका जो फार्मूला होता है वो होता है टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ स्क्वेयर रूट। अब देखें इसमें टी क्या चीज़ है, टी वो टेंशन है जो हम रस्सी को खींचते हुए उसमें प्रोड्यूस करते हैं। आप कोई रस्सी लें, उसको खींचें यानी उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो रस्सी के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होती है, ये वो टेंशन है। अब मास पर यूनिट लेंथ को देखें, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक रस्सी की जो टोटल लंबाई है, अगर इस रस्सी का मास निकाला जाए कि ये आधा किलो की रस्सी है, 1 किलो की रस्सी है, 5 किलो की रस्सी है, तो लेंथ के अंदर कितना मास आता है, यानी इस पूरी लेंथ के अंदर रस्सी का कितना मास है, वो मास पर यूनिट लेंथ है। ये जो फॉर्मूला है, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। किसी भी रस्सी के अंदर जिस वक्त हम वेव्स प्रोड्यूस करते हैं तो उस वेव की जो स्पीड होती है वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट होती है। अब देखें ये जो मास पर यूनिट लेंथ है इसको मास लीनियर डेंसिटी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इफ़ द टेंशन इज इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड। अब देखें अगर टेंशन को डबल किया जाए, फर्ज करें मैं यहाँ पे 2 लगा लेता हूँ, टेंशन डबल हो गई है और एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ इज रिड्यूस टू हाफ, और उसके मास पर यूनिट लेंथ को आधा किया जाए। अब ये आधा कैसे होगा, अगर मैं इसके साथ नीचे 2 लिखूँ, मास डिवाइडेड बाय एल, ये 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो मास डिवाइडेड बाय 2L। तो स्पीड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सिंपल कैलकुलेशन है। देखें इसको मैं इस तरह सॉल्व कर सकता हूँ, 2T डिवाइडेड बाय ये है एम बाय एल, और नीचे ये वाला जो एल के साथ 2 लिखा हुआ है, डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो 2 ऊपर जा सकता है, वो 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब देखें और ये पूरा जो है वो स्क्वेयर रूट में है, 2 2s are 4, टी डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। अब देखें अब इस ये जो स्क्वेयर रूट है इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वेयर रूट अलग जाएगा और टी ओवर मास पर यूनिट लेंथ इसका अंडर रूट अलग जाएगा। अब ये तो वो ओरिजिनल वेलोसिटी है, स्पीड है जो हमने यहाँ पे बात की है, तो बाद में जो स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा टेंशन को डबल करने से और मास पर यूनिट लेंथ को आधा करने से, अब अंडर रूट 4 किसके इक्वल होता है, 2, तो जो नई वेलोसिटी बनेगी वो ओरिजिनल वेलोसिटी का डबल होगी, डबल। क्लियर, दिस वॉज द रीज़न के इसका आंसर ए है। तो प्लीज़ क्वेश्चन 3 को के ए को पार्ट को टेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट एग्जिबिटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव एग्जिबिट नहीं करती, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन या पोलराइजेशन। तो डियर स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज पोलराइजेशन। याद रखें
कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल जैसे साउंड, आप साउंड की बात करें, साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट भी होती हैं, वो आपस में इंटरफेयर भी करती हैं, वो डायफ्रेक्ट भी होती हैं, लेकिन वो पोलराइज नहीं हो सकती। याद रखें, पोलराइज सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। अब चूंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो ट्रांसवर्स नहीं होती, लिहाजा वो पोलराइज नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन 4 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, ए साउंडिंग सोर्स एंड अ लिसनर आर बोथ एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर। इफ विंड ब्लोज फ्रॉम द लिसनर टूवर्ड द सोर्स, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ साउंड विल चेंज। आप फर्ज करें आपके पास एक साउंडिंग सोर्स है, कोई स्पीकर है, मस्जिद का कोई स्पीकर है जिससे आजान की आवाज़ आ रही है, और दूर एक बंदा जो है लिसनर, सुनने वाला, वो अपने घर में बैठा हुआ है। अब लिसनर या सुनने वाला भी रेस्ट पर है, और मस्जिद का स्पीकर जिससे साउंड आ रही है वो भी जाहिर है रेस्ट पर है। अब ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पर हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें हवा इस डायरेक्शन में चल रही है कि लिसनर से साउंड सोर्स की तरफ या स्पीकर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रही है, तो साउंड की किस प्रॉपर्टी पे फ़र्क आएगा? क्या साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी? नहीं। क्या उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी? यस, वो साउंड की स्पीड कम हो जाएगी। फेज, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, सिर्फ साउंड की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो क्वेश्चन 5 का बी ऑप्शन करेक्ट है। और इसका मैं आपको जनरल व्यू भी बता दूं कि फर्ज करें अगर हवा इस तरह चले कि वो स्पीकर से लिसनर की तरफ अगर हवा जाए, हवा की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो जिस डायरेक्शन में साउंड जा रही है हवा भी उसी डायरेक्शन में चल रही है, तो वो साउंड एनर्जी को और तेज लेकर आगे जाएगी, तो उस केस में फिर साउंड की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो अब ये चूंकि अपोजिट पूछ रहा था तो इस केस में साउंड की स्पीड कम होगी। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, के गैस के अंदर साउंड की स्पीड पर कौन सा फैक्टर जो है वो इफेक्ट नहीं डालता? ह्यूमिडिटी जिसको फॉग या नमी कहते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी। हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं कि डेंसिटी से स्पीड चेंज हो जाती है, टेम्परेचर से भी चेंज होती है, सिर्फ प्रेशर वो चीज़ है जो स्पीड ऑफ साउंड पे कोई असर नहीं डालता। ह्यूमिडिटी से भी स्पीड पे फ़र्क पड़ता है। तो प्रेशर इज़ द करेक्ट आंसर, कि प्रेशर कम या ज़्यादा करने पर स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन 6 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन। ये कौन सी वेव्स हैं जिसमें कोई भी नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होता? और स्टूडेंट्स अगर आप याद करें, हमने स्टेशनरी वेव में ये कहा था कि स्टेशनरी वेव्स जो हैं वो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करते डायरेक्टली, तो ये स्टेशनरी वेव करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 7 का डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट वेव्स की फ्रीक्वेंसी हो सकती है? 1 × 10^6, 1 × 10^9, 1 × 10^12 या 1 × 10^15। तो ये ज़्यादा करेक्ट है, उसकी वजह मैं आपको बताऊँ। देखें, अगर आप अल्ट्रा वायलेट की वेव लेंथ देखें तो अल्ट्रा वायलेट की वेव लेंथ ज़्यादा होती है 400 नैनोमीटर से, 400 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी ये अप्रॉक्सीमेटली अगर आप कह दें इसको ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर, इसकी वेवलेंथ इतनी होती है। अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करें, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो स्पीड इक्वल है साउंड की, सॉरी ये लाइट की 3 × 10^8 डिवाइडेड बाय, अगर ये लैम्डा पुट करें, 400 × 10^-9। अब देखें ये जो -9 ऊपर अगर आप इसको ले जाएं तो 3/400 × 10^8 + 9। अब ये देखें इस फिगर को अगर आप देखें 8 + 9 तो ये हो जाएगा 17। अब नीचे ये देखें, ये 400 के साथ भी दो जीरोज़ हैं तो ये 10^2 है, 10^2 जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, 17 - 2 वो 15 हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई ये ज़्यादा
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये डी ज़्यादा करेक्ट है, कि जो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में होती है, 10^15 की रेंज में होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन में ये कह रहा है कि व्हेन अ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज, जब भी स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। इसका ए पार्ट है, सेम एज दैट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स, ट्वाइस दैट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स, हाफ दैट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स, स्क्वायर रूट टू दैट ऑफ इंडिविजुअल, या ट्रिपल दैट ऑफ इंडिविजुअल। तो करेक्ट आंसर है सेम। याद रखें, जिस वक्त दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर होती हैं, एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाती हैं, तो उससे जो स्टेशनरी वेव बनती है या लूप्स जो बनते हैं, स्टैंडिंग वेव्स या लूप्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वही होती है जो अलग अलग वेव्स की होती है। फ़र्ज़ करें 30 हर्ट्ज़ की दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मिलती हैं, तो जो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी 30 ही रहेगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। तो सेम एज दैट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज एफ, इफ बोथ द एंड्स आर ओपनड देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना है, ये देखें, हमारे पास ऑर्गन पाइप जिसको बांसुरी कहते हैं वो दो तरह की होती है। ऑर्गन पाइप एक होती है क्लोज्ड एंड, के वो बांसुरी का ये वाला एंड जो है ये बंद होता है, क्लोज होता है, ये काइंडली आप बुक में देख लें। और दूसरा होता है वो बांसुरी जो दोनों साइड से ओपन होती है, ये ओपन एंड है, ये क्लोज एंड है। ओपन एंड की अगर आप बात करें तो ओपन एंड में कुछ इस तरह स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जबकि क्लोज्ड एंड में ये इस तरह ओपन एंड में ये इस तरह प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर आप इनकी कैलकुलेशन देखें, जो ओपन एंड, जो क्लोज एंड है उसकी जो फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो वी बाय 4L, और जो ओपन एंड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है फर्स्ट हार्मोनिक वो होती है वी बाय 2L। इसमें 4 और 2 का फर्क है, क्लोज के लिए ये 4 है और ओपन के लिए ये 2 है। अब अगर आप देखें तो दोनों केस में फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है, ये 4 है ये 2 है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्लोज एंड वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ओपन एंड की फ्रीक्वेंसी का आधा है। देखें, आप इसको यूँ लिख सकते हैं ना, 1/2 मैंने अलग लिखा और मैं लिखता हूँ V/2L, इसको V/4L को 1/2 × V/2L, ये देखें V/2L V/2L, ये तो सेम है, फ़र्क किस चीज़ का है, 1/2 का, बिकॉज 1/4 इज इक्वल टू द डबल ऑफ 1/2, 1/2 का डबल होता है, ठीक है, द हाफ ऑफ। तो उस हिसाब से अगर अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, ये कह रहा है कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप जिसमें वी बाय 4L की बात हो रही थी और उसके दोनों एंड्स को ओपन कर दिया जाए तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो पहले के मुकाबले में आधी आएगी, नहीं आएगी, 1/2 का फ़र्क आता है ना, और 1/2 को हम क्या कहते हैं, 0.5, 1/2 का फ़र्क आता है ना, दोनों में रेशो आती है, तो ये 0.5, क्योंकि 1/2 0.5 को कहते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज डबल्ड देन इट्स इंटेंसिटी इज, ये क्वाड्रुपल हो जाएगा, तो क्वेश्चन 11 का सी पार्ट करेक्ट है। और ये देख लें, इसका मतलब क्या है, इसमें ये कहता है कि देखें, फर्ज करें आपके पास दो वेव्स हैं, ये वेव नंबर ए है और एक दूसरी वेव है वो इस तरह वेव नंबर बी है, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ए प्लस बी वो क्या किस तरह बन जाएगा, वो इन दोनों का डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, जब दो वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करती हैं तो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, समझ आ रही है इस बात की, एम्पलीट्यूड, क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड कम है, जबकि इंटरफेरेंस के बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इन दोनों का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है।
तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज डबल, अगर एम्पलीट्यूड को डबल किया जाए तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। याद रखें इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये बात याद रखें कि जो वेव की इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। यानी एम्पलीट्यूड अगर आप डबल करेंगे तो डबल का स्क्वायर फोर टाइम्स हो जाएगा, उसी फोर टाइम को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रपल। बहरहाल ये बात याद रखें कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो अगर एम्पलीट्यूड को डबल किया जाएगा तो डबल का स्क्वायर फोर बन जाएगा, उसी फोर को हम क्वाड्रपल कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 का सी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, ए साउंड सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर विद 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, द रेशियो ऑफ एपेरेंट टू रियल फ्रीक्वेंसी इज। डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर 10/9 है, लेकिन किस तरह, देखें ये हम जानते हैं कि डॉपलर इफेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी आती है एफ प्राइम इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस ए इंटू एफ। दिस एफ, ये जो एफ है ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, जबकि f प्राइम जो है ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, ये रियल फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल और ये एपरेंट यानी मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी में जो फ़र्क आता है। ये जो v है ये स्पीड ऑफ साउंड है, ये दोनों वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड हैं और दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर और लिसनर। ये जो सोर्स जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो a है। अब ये कह रहा है कि इफ़ a इज इक्वल टू वी बाय 10 यानी स्पीड ऑफ साउंड का 10th हो, तो a की जगह पर v बाय 10 यहाँ पे पुट करें तो f प्राइम इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय v माइनस a को v बाय 10 पुट करें इनटू ये वाला f। अब इसको सॉल्व करें, देखें f प्राइम इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लें, ये नीचे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10v माइनस v इनटू f। तो देखें f प्राइम इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 10v माइनस v 9v डिवाइडेड बाय नीचे ये वाला 10 इंटू f। डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो इसको आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा f प्राइम इज इक्वल टू ऊपर जाएगा 10v और नीचे हो जाएगा 9v इंटू f। तो देखें v v कैंसिल, तो जो इन फ्रीक्वेंसीज की रेशो आएगी वो किसकी इक्वल आएगी, 10/9। तो 10/9 इज द करेक्ट ऑप्शन, सो 10/9 इज द करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट, प्लीज मेक इट एज योर होमवर्क एंड प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन पेपर्स। थैंक यू वेरी मच।